लेकिन तो देखिए अभी हमारी कूलर की मोटर एकदम सही से काम कर रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम थी अब ठीक हो गई है। तो गाइस देखिए मैं सबसे पहले इसमें कूलर के प्लग लगा देता हूँ। देखिए प्लग इन कर दिया है मैंने। देखिए हमारे कूलर तो काम नहीं कर रहा, थोड़ा पंखे लाता हूँ। देखिए तो भी नहीं कर रहा है काम, क्या हो गया इसमें। तो देखिए चलिए मैं इसका ये इधर इसकी करंट दिखा देता हूँ। देखिए करंट इसमें नहीं पास हो रहा है। सो गाइस शायद इसके इधर साइड से इसके कहीं से अंदर से वायरिंग इसकी कुछ ख़राबी होगी। तो हमने चलिए इसके पहले मोटर देखते हैं कि इसके मोटर में कुछ ख़राबी तो नहीं है। तो चलिए मोटर चेक करने के लिए पहले मैं इसके सारे अंदर के इसके वायर खोल लेता हूँ, प्लग निकालता हूँ पहले। अभी इसके मैं सारे वायर निकाल दूंगा, केवल मोटर मोटर की वायर रहेगी। तो गाइस देखिए तो मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। ये देखिए ये हमारी ये मोटर रहेगी, ये इसकी प्रोपेलर रहेगी। एंड गाइस ये इधर कंडेंसर लगाएगा हमारा, ये इधर हमारी चार वायर रहेंगी मोटर की, ब्लू रेड ब्लैक एंड व्हाइट। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो ब्लू वायर रहेगी ये हमारी सबसे मेन वायर होती हैगी। इसको हम जो हमारा प्लग होता हैगा इसमें हम प्लग में लगाते हैं। हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो एक हम ब्लू वायर लगाएंगे गाइस। दूसरी आप इन तीनों में से आप कोई सी भी एक वायर लगा सकते हैं। ये हमारी स्पीड लो मीडियम एंड हाई वायर वो आपकी अब सॉरी लो मीडियम एंड हाई आपको स्पीड देता है। तो इन तीनों में से आप कोई सी भी वायर एक लगा सकते हैं, एनी वन आप कोई सी भी एक वायर इनमें से लगा सकते हो गाइस। दो वायर होगी, एक तो ब्लू वाली होगी। एंड गाइस इन तीनों में से कोई सी भी एक वायर लगा के आप अपने कूलर को चेक कर सकते हैं कि आपके ये कूलर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंडेंसर जरूरी है गाइस, कंडेंसर मत हटा दीजिएगा वरना आपका कूलर काम नहीं करेगा गाइस। ऐसा करके चलिए मैं दिखाता हूँ। तो भाई देखिए मैंने जैसे जैसे मैंने कनेक्शन आपको बताए थे मैंने वैसे कनेक्शन इधर कर दे दिए। देखिए ब्लू को मैंने जो प्लग की वायर है मैंने उसको डायरेक्ट इन मोटर की वायरों में कनेक्ट कर ली थी। एक ब्लू में करा है मैंने एक और एक ब्लैक में कर दिया है। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारा मोटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी के दो वायर को देखिए मैंने साइड कर दिया है, ब्लू एंड उसमें करा है मैंने, ये अर्थिंग की वायर है उसको साइड करा अभी मैंने। देखिए मैं प्लग लगा के देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ये प्लग लगाने पे तो चल तो नहीं रहा, टाइट करके देखता हूँ, थोड़ा घुमाता हूँ, चल गया गाइस। देखा ये चल गया है, ये थोड़ा सा धीरे चल रहा होगा, इसके साथ कैपेसिटर की इसकी ख़राबी होगी, इसके साथ कंडेंसर लूज होगा भाई। तो गाइस देखिए हमारे चल चुका हैगा, इसे करंट में दिखा देता हूँ। तो हाँ गाइस देखिए करंट इसमें भी पास हो रहा है, ये एक रेड वाले में नहीं, मतलब तो करंट इधर पास हो रहा है, हमारे वाइट में भी हो रहा है। ओके तो गाइस देखा ये हमारे मतलब कि अंदर से कुछ वायरिंग की कनेक्शन बस थोड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। हमने अगर मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट किया है तो फिर ये मोटर डायरेक्ट कनेक्ट होकर चल गई है। ये जो हमने देखा इस साइड से हमने खोल रखा हैगा, इधर से हमने सीधा हटा के हमने डायरेक्ट मोटर को जॉइंट कर लिया है। क्योंकि हवा भी थोड़ी अभी सही दे रहा है, इसके मैं कंडेंसर चेंज कर दूंगा तो ये थोड़ा और शायद तेज़ दे देगा हवा। इसका हमारा पिछले साल का हैगा तो थोड़ा, क्योंकि मैंने इधर से इसको खोल के इधर से डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया है इन वायरों को हटा के, क्योंकि इसमें शायद कहीं से प्रॉब्लम लूज थी। तो हमने डायरेक्ट मोटर कनेक्ट करके देखा तो देखा गाइस ये चल रहा हैगा। एंड गाइस जैसे मैंने डायग्राम दिखाया आप इसमें वैसे ही कनेक्शन कर लीजिए। मोटरों में लगभग जो चार वायर वाली मोटर होती है उनमें ऐसे ही कनेक्शन होती है सभी में, ब्लू रेड एंड ब्लैक एंड वाइट वाली। अगर आप में ऐसे मोटर होगी तो आप ऐसे ही कनेक्शन कर लीजिए, आपके मोटर की प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि मोटर के अंदर से कुछ ख़राबी तो नहीं या फिर कहीं कूलर में कहीं इसके बाद कोई दूसरी वायर की आपकी ख़राब होगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कूलर का ठीक हुआ है या नहीं। ऋतिक।